हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप शिक्षा यूट्यूब चैनल में। आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आपके पॉजिटिव फीडबैक से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, आज के वक्त में इंडिया में 9,884 एजुकेशनल स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 7 बड़े बड़े एजुकेशनल स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं, और इनमें सबसे आखिरी में आया था फिजिक्स वाला, और आज ये सबसे पहले नंबर पर है। तो ऐसे कैसे हो गया और कैसे एक छोटे से YouTube चैनल से आज ये इंडिया के यूनिकॉर्न कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गया। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार फिजिक्स वाले के पास में ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जिससे कि उसने इतने बड़े बड़े एजुकेशनल स्टार्टअप्स को हेड टू हेड टक्कर ही नहीं दी, बल्कि आज इनके आगे आकर खड़ा हो गया है। तो चलिए बात करते हैं फिजिक्स वाला के स्ट्रेटेजी के ऊपर। नंबर 1, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। संसाधन नहीं बल्कि इंसान के हौसले डिसाइड करते हैं कि वो ऊपर जाएगा या फिर नहीं। एक समय था जब फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक सर का पूरा घर बिक गया था। रफ कॉपी खरीदने के पैसे नहीं थे, IIT में एडमिशन लिया तो पैसों की तंगी के कारण उसे भी छोड़ दिया, मगर कभी हार नहीं मानी। फिजिक्स से उन्हें काफी लगाव था, इसलिए वहीं पर अपना एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट लगाना शुरू कर दिया और बन गए टीचर। और टीचर भी ऐसे बने कि आजकल के बच्चों से काफी अच्छे से रिलेट हो सके। अलग सर का एक और बहुत बड़ा सपना था कि वो एक्टिंग फील्ड में जाए, लेकिन पैसों की तंगी तो फिर भी थी, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी एक्टिंग स्किल को टीचिंग प्रोफेशन में डाल दिया। तो जो आजकल के बच्चे हैं वो सब एंटरटेनमेंट के साथ ज्यादा उनसे रिलेट कर पाए। तो बस पांडे सर ने यही गैप को फुलफिल करने के साथ ही साथ एंटरटेनमेंट को जोड़ा स्टडी से, और इसी के सहारे अपने फिल्मी डायलॉग से एक अलग ही अंदाज में फिजिक्स को पढ़ाना चालू कर दिया, जिससे बच्चे बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि एक बार उन्होंने अपनी टी शर्ट पे लिखवा दिया था कि तेरा भी कटेगा, और पीछे लिखवा दिया था तू भी फिजिक्स पढ़ेगा, और आगे चलकर यही इनकी सबसे बड़ी USP बनी। दूसरा, फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड। देखो, समझदार इंसान वही है जो अपनी प्रशंसा से ज्यादा उड़े नहीं, बल्कि उससे और ज्यादा सीखने की कोशिश करे, और जब कोई उसे फीडबैक देता है तो वो उसे फीड फॉरवर्ड की तरह मूव करे। पांडे सर को एक बार एक टीचर ने बोला कि अलग, तुम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, देखना आने वाले 10 सालों में तुम 7,000 बच्चों को पढ़ा दोगे। अब आम लोगों के लिए तो ये सिर्फ एक तारीफ थी, लेकिन अलग सर को ये बात दिल में लगी और उन्होंने सोचा कि मेरी इतनी उम्र हो चुकी है और आगे 10 साल में सिर्फ 7,000 बच्चों को ही पढ़ा पाऊंगा। तब उन्हें समझ में आया कि ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटी कैसी है। तब उन्होंने सोचा कि अब हमें ऑनलाइन जाना होगा, जहां सिर्फ 1,000 बच्चे ही नहीं बल्कि 1,00,000,000,000 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और तब उन्होंने कमबैक किया YouTube पर, और काफी ज्यादा हार्डवर्क करने पर एक साल में 10,000 सब्सक्राइबर्स जुटाए। पर इसके बाद इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आ गई थी, अगर हम इसी तरह ऑनलाइन ऑफलाइन को मिलाकर चलाएंगे तो ग्रोथ बहुत धीरे हो जाएगी, लेकिन अगर हमें लॉन्ग रन में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो हमें एक ऑप्शन को चुनना ही पड़ेगा, और ऑनलाइन से अच्छा तो कुछ था ही नहीं। और बस इसी पर उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, और बच्चे भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि उस समय ऐसा कोई टीचर नहीं था जो कि इस कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे तरीके से बच्चों को समझा सके। और उन्हीं बच्चों ने इन्हें फीडबैक देना शुरू कर दिया कि सर, आप अपना एक प्लेटफॉर्म बना दीजिए जिससे आपके जो कोर्सेज हैं वो हम वहां से जाकर अपने हिसाब से एक्सेस कर सकें, और उन्होंने ऐसा ही किया। इसीलिए देखते ही देखते आज फिजिक्स वाला एजुकेशन इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन की तरह छा गया। नंबर 3। अब दोस्तों, फिजिक्स वाला की तीसरी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी मिडिल क्लास को टारगेट करना। ऑनलाइन की दुनिया से पहले ये जितने भी इंस्टीट्यूट थे जो IIT या NEET की तैयारी करवा रहे थे, उनकी फीस लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए होती थी। फिर मार्केट में आ गया बायजूस और अनअकैडमी जैसी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, लेकिन इनकी फीस भी 40 से 50 हज़ार रुपए के आसपास से शुरू होती है, उसको भी काफी सारे बच्चे अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। फिर फिजिक्स वाला ने ऐसी एक्सेस स्टडी चलाई कि जो बच्चों के लिए अफोर्डेबल हो और बच्चों के दिलों पर राज कर सके और उनका बिजनेस भी बन सके, और उन्होंने इसको सिर्फ 3,500 से 4,000 रुपए की फीस के रूप में रखा, और यही इनकी पूरी जर्नी में इनकी लाइफ का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। और इनकी इसी स्ट्रेटेजी के दम पर आज फिजिक्स वाला इंडिया की एजुकेशनल स्टार्टअप्स में से एक यूनिकॉर्न बन गया, और आज इनकी नेटवर्थ लगभग $1.1 बिलियन है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है फिजिक्स वाला के बारे में, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।